हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी आईएएस एंड पीसीएस। और आप कर चुके हैं हमारे साथ में 28 क्वेश्चन तक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ज़रूरी बात फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और इसके साथ में आप बेल नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उससे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन हमारे न्यू वीडियो के डालते ही। और ये सीरीज़ जो मैंने बनाई है वो इसलिए बनाई है कि आप इन क्वेश्चंस को ऑडियोबल हो करके देख के और सुन के जल्दी से रिवाइज कर सकें अपने एग्ज़ाम से पहले। और हम कोशिश करेंगे कि हम 10 ईयर्स के लेके आएँ या 5 ईयर्स के लेके आएँ, और हम अलग अलग स्टेट्स के लेके आएंगे। और ये यकीन मानिएगा, एज इट इज़ सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, और आप जब पेपर आएगा तो आपको दिख जाएगा कि कितने क्वेश्चन उसमें रिपीट हो जाते हैं। अप्रॉक्स 40-45 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपके करंट अफेयर से बनाए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम आज के क्वेश्चन। तो ये 29 क्वेश्चन है, इसमें मैचिंग है। मैचिंग में आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने बताया है कि आप इसको देख लिया करो। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है 8-2-4-3-1 है, इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कोई भी ए बी सी डी में से एक जो किससे सही मैच करता है। और मैं आशा करती हूँ आप लोगों में से मैक्सिमम 90% लोगों को ये पता होगा, जो तैयारी ऑलरेडी कर रहे थे उनकी बात कर रही हूँ, जो नहीं कर रहे हैं उनकी नहीं। संविधानिक संशोधन जो है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो किस आर्टिकल से मैच करता है, ठीक है? तो वो मैच करता है आपका, अगर आपको ये पता है, अनुच्छेद 368 से ये मैच करता है, तो आपका सीधे सीधे आपको आंसर पता पड़ जाएगा कि बी वाला जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ ये नहीं पता है तब क्या करेंगे आप, तो आपको वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी ज़रूर पता होगी फ्रेंड्स, और उसका है आपका अनुच्छेद 360। तो अगर आप 360 या 368 में इसे एक को भी पहचानते हैं, तो फ्रेंड्स आपका ये आंसर डायरेक्ट बी निकल के आएगा। फिर आपको उसके लिए वित्त आयोग, ठीक है, और अखिल भारतीय सेवाएं, क्योंकि कितना याद करेंगे आप, हर किसी को याद नहीं कर सकते हैं। तो हम जो ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, उनसे रिलेटेड हम लोग जल्दी से इसको पिकआउट करके सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है 368 में संविधानिक संशोधन है, अनुच्छेद 280 में वित्तीय आयोग है, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात तथा अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं संबंधी प्रावधान वर्णित हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही, ठीक है, नहीं की जाती, ठीक है। तो क्वेश्चन इसके अंदर ट्रिकी है, तो वो समझ लेना। लोकसभा द्वारा पारित, लोकसभा ने जिसे मतलब पारित किया है, पास किया है धन विधेयक, ठीक है, तो राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कार्यवाही नहीं की जाती। तो अब इसके अंदर जो बात हो रही है वो मनी बिल की हो रही है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14 दिन। ये आपको डायरेक्ट ही पता होगा, क्योंकि ये जो पढ़ चुके हैं वो लोग इसे जानते होंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 105(5) के अनुसार यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित धन विधेयक 14 दिनों की अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है, तो उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदन उस द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। मनी बिल का इतना ही टाइम होता है, अगर वो कोई सजेशन देना चाहते हैं तो विद इन 14 डेज दे सकते हैं, रादर देन दिस फिर वो क्या होता है कि एज इट इज़ ही उसको लागू कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। किसी जाति तथा जनजाति का अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संविधानिक प्राधिकारी है, ठीक है, यानी किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु जो शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है, जो अधिकारी है वो कौन है, तो उसका है आपका, आपको पता ही होना चाहिए कि भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं इंडिया के, तो उनके पास में बहुत सारे जो हैं वो शक्तियाँ हैं। तो एक बार उसको भी मैं करवा दूँगी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड, जल्दी ही आपको करा दूँगी, हो सका तो आज ही दे देंगे वीडियो। तो उसमें आप प्रेसिडेंट की सारी पावर्स कर जाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आती है, प्रेसिडेंशियल पावर बहुत सारी हैं, तो इसलिए उस पर क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, करना उसे तो बिल्कुल आप भूल के मत जाना, एक प्रेसिडेंट एक पंचायत। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने तथा अनुच्छेद 342 के तहत किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था?
तो इस आंदोलन का जो नाम था वो था लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी नाम से प्रसिद्ध। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो हो गया ये लाल कुर्ती वाला और दूसरा हो गया आपका सीमांत गांधी। ये देखिए, देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन में से दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए सीमांत गांधी नाम के से प्रसिद्ध थे द्वारा अपने खुदाई खिदमतगार संगठन के तहत लाल कुर्ती रेड शर्ट आंदोलन चलाया गया था। इस संगठन के स्वयंसेवक लाल कुर्ती पहनते थे। ठीक है, तो इसमें इस क्या कितनी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना। एक तो इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध चलाया था, किसने चलाया था ये लाल कुर्ती या रेड शर्ट, अब्दुल गफ्फार खान ने, ऐसे पूछ सकते हैं। दूसरा, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तो अब ये पूछ सकते हैं कि किसके पैरेलल या किसके समय पर ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो रेड शर्ट वाला करा था वो किसके समय पे किया था, तो वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया था। उसके बाद में इन्हें किस नाम से और जाना जाता था, इनको अब्दुल गफ्फार खान जी को, तो इन्हें जाना जाता था सीमांत गांधी के नाम से भी प्रसिद्ध थे ये। उसके बाद में अगर इनका देखें कि इन्होंने कौन सा संगठन करा था स्थापित, तो वो था खुदाई खिदमतगार। ये सारे ही क्वेश्चन फ्रेंड्स आ चुके हैं। आप चाहिए तो, आपको लगता हो कि मैं गलत बोल रही हूँ, तो आप एक बार ओल्ड सेट को पढ़ लेना, क्वेश्चन ही निकाल लेना, केवल क्वेश्चन पेपर में ही आपको ये मिल जाएंगे कि ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। सीमांत गांधी भी पूछा गया है, खुदाई खिदमतगार भी पूछा गया है, अब्दुल गफ्फार खान के बारे में भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आप ज़रूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो क्वेश्चन नंबर डी को देख लेते हैं, केशवानंद भारतीवाद 1973 में। ठीक है, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को जो एक्सप्लेन किया है, उसके बारे में जो बताया है स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, तो वो पूछा है कि स्पष्ट जिसने किया है वो कौन है, तो वो है केशवानंद भारतीवाद। 1973 में इन्होंने इसके बारे में क्या करा था, एक्सप्लेनेशन किया था। ये हैं 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत यानी कि मूल मौलिक ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया, जिसके अनुसार किसी संविधान संशोधन से यदि संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसका पुनर्विलोकन कर उसे उल्लंघन की मात्रा तक शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जो ये वाद चला था तो उसके जरिए ये हुआ है कि इसके ढांचे के सिद्धांत को, इसमें ये बताया गया कि किसी संविधान का संशोधन करने से, ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने से अगर संविधान के आधारभूत ढांचे को यानी जो उसका मूल मतलब एक स्ट्रक्चर है अगर उसका उल्लंघन होता है तो ये समझ लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगी कि उसका फिर से उसको देखेंगे, रिकंसीडर करेंगे और उसको उल्लंघन की मात्रा को बिल्कुल शून्य तक करा जाएगा, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बाकी आप कितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले गया हो लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर जो कह रहा है, ठीक है, तो वो उसका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार देखे गए हैं। आप मेरे संग पेपर सॉल्व करिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, अनुच्छेद 249 के खंड एक के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवर्त नहीं रहेगा। ठीक है, किससे किसके लिए प्रवर्त नहीं रहेगा, तो ये है अनुच्छेद 249 का खंड एक की बात हो रही है। तो इसमें पारित जो भी प्रस्ताव है उसके अंतर्गत आता है, तो किससे अधिक समय के लिए प्रवर्त नहीं होगा, मतलब कितने समय से अधिक, यानी कितने समय तक, कहने का मतलब है कितने समय तक ही वो प्रवर्त कर सकते हैं उसे, तो वो है आपका एक वर्ष। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 249 एक के तहत यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा पारित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची में प्रगणित ऐसे विषय के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है विधि बनाएं, तो जब तक वह संकल्प संप्रवर्त है संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा। इसी अनुच्छेद के खंड दो के अनुसार उपयुक्त संकल्प एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए प्रवर्त रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए। इस प्रकार ऐसा कोई प्रस्ताव एक वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवर्त नहीं रह सकता बशर्ते कि उसे बनाए रखने के का प्रस्ताव पुनः राज्यसभा द्वारा उपयुक्त उपबंध के तहत पारित ना किया जाए।
ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिकी क्वेश्चंस में आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं कि आप जनरली ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। तो इसमें केवल समझने वाली बात ये है कि इसको अगर एक वर्ष तक रखें या एक वर्ष के बाद दोबारा लाना है, तो उसके लिए बनाए रखने का जो प्रस्ताव है वो दोबारा राज्यसभा द्वारा क्या करना चाहिए, इसको पारित किया जाना चाहिए, तभी जाकर के ये लगेगा। नहीं तो एक वर्ष ही इसकी अवधि है, और एक वर्ष भी तब चलेगा जब इसकी आवश्यकता हो हकीकत में। ये क्वेश्चन नंबर 35, सरकारी या आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? जो सरकारी या कमीशन जो था, सरकारी या आयोग, वो किया गया था केंद्र तथा राज्यों के मध्य, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, केंद्र राज्य संबंधों तथा उनके बीच शक्तियों के वितरण व पर विचार करने के लिए 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में आयोग द्वारा आयोग का गठन किया गया था, जिसने 1987 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अब इसमें देखिए आयोग, ध्यान रखिए, न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, जिसने 1987 में रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें भी दो क्वेश्चन आपके रेडी हो जाते हैं। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, तो ये है माउंट आबू में, ठीक है। जो आंतरिक सुरक्षा अकादमी है वो है आपकी माउंट आबू में, इसके अंदर ये है आपका इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये जो आपका रहेगा इंटरनेशनल सिक्योरिटी एकेडमी, ये है माउंट आबू, जो कि माउंट आबू सभी को पता होगा राजस्थान में है। इसकी स्थापना 1975 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी CRPF पुलिस बल के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु की गई थी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 37, राज्य वित्त आयोग है, एक राज्य वित्त आयोग है, यानी कि इसमें जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से क्या है, तो ये एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में चलते हैं आगे, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट में 243 झ में प्रावधानित है कि राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, ठीक है, ये संविधान में है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ये जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद जो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, वो है अनुच्छेद 253। इसका आंसर है डी। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए संविधि बनाने की शक्ति है। इसके तहत संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट। 39 की बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, तो ये हो गया निर्वाचन आयोग आपका इलेक्शन कमीशन, और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अनुच्छेद के अंदर, तो ये है आपका अनुच्छेद 324, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा उनका सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें पंचायत चुनावों की बात करी जा रही है, अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण जो नहीं लागू होता है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसके अंदर लागू नहीं होता है। आप ये देख लीजिए इसकी एक्सप्लेनेशन, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि क्यों नहीं लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है, तो वो है राज्य का विधानमंडल, ठीक है। यानी कि कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है, वो है राज्य के जो विधानमंडल होते हैं, वो संविधान के अनुच्छेद 243 सी के खंड 1 के तहत किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध कराने को
कराने हेतु अधिकृत होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। और क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो वो दिए गए हैं आपके ये ए 9th वाले में। इसके बाद में देख लें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 से लागू द्वारा संविधान में भाग 9 पंचायतें तथा 11वीं अनुसूची में पंचायतों को सौंपे जाने वाले कार्य जोड़कर पंचायती राज संबंधी प्रावधान संविधान में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक संवैधानिक हो गया जब संविधान में शामिल कर लिया गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 43, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो ये अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। ठीक है, तो ये है आपका बी वाला, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी पंचायती राज व्यवस्था। इसके बाद में लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण और विकास में जन भागीदारी के साथ प्रशासन के निचले स्तर तक जवाबदेही के विस्तार के मूल उद्देश्यों के साथ पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है। बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 44 की, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बी आर मेहता को। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जो है बी आर मेहता को कहते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। वस्तुतः बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिशों के आधार पर ही देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और विकास कार्यक्रमों के सुचारू एवं समुचित क्रियान्वयन हेतु स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। यहाँ भी 2-3 क्वेश्चन बन गए हैं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, कथनों पर विचार करिए। देखिए पहला जो इसमें है कथन वो है संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। अब कथन क्या है, नीचे दिया हुआ है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो अब इसमें देखना आपको ए तथा आर देखिए दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण है, सही बात है, क्योंकि जो संविधान है उसके अनुच्छेद 32 ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे उन्होंने उसकी आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद 32 जो है इसके अंदर वो है आपका मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान। ठीक है, तो इसको इन्होंने इसकी आत्मा कहा है। इसके बाद देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में 46 देख लेते हैं, इसमें मैचिंग है, मैचिंग के अंदर देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। तो ए और बी का तो 3 देखने को मिल रहा है, इसका मतलब हमें डायरेक्ट इसका पता होना चाहिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में सीधे सीधे, क्योंकि ये आपका है मैचिंग का। इसमें कर लीजिए आप, भारतीय संविधान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हेतु प्रावधान अनुच्छेद 148 में, वित्तीय आयोग संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 280 में है, और प्रशासनिक अधिकरण संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 223 ए में, तथा संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग संबंधी प्रावधान 315 में उपबंधित हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता हो तभी करिएगा, नहीं आता हो तो इसमें आप वो नहीं लगा पाएंगे जो मैंने बताया था पहले आपको। ट्रिक यूज़ नहीं करना इसमें। और इसके बाद में हम करते हैं बात 47 की, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ठीक है, तो इसकी अधिकतम संख्या जो हो सकती है भारतीय संविधान के अनुसार, तो वो हो सकती है आपकी क्वेश्चन ये है आपका 21। ठीक है, इसमें जो अधिकतम संख्या है वो 21 हो सकती है। 97 में संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से संविधान में जोड़े गए भाग 9 सहकारी समितियों के तहत अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समितियों के निदेशकों की संख्या राज्य विधानमंडल द्वारा नियम बनाकर निर्धारित की जाएगी, परंतु ये संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें जो संख्या हो सकती है सहकारी समिति के निदेशकों की वो अधिकतम है 21, इतना याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका संसद में साधारण बहुमत द्वारा। भारत में एक नया राज्य अगर सृजित करने वाले विधेयक को पारित करना होना अनिवार्य है, तो वो हो जाएगा संसद में साधारण बहुमत के द्वारा, इसका हो जाएगा बी। इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 49, तो इसमें देखिए भारत में नागरिकों के मौल अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो भारत में नागरिकों के जो मौल अधिकार हैं, ठीक है, जो उनके मौलिक अधिकार हैं उनके लिए कर सकती है संसद। ठीक
ठीक है, संशोधन अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उसे केवल संसद कर सकती है। ठीक है, ये व्याख्या है, आप इसे देख लीजिएगा, बाकी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो वो है आपका अनुच्छेद 51। ठीक है, तो इसमें आप ये ध्यान रखना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही बनते हैं, इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ रही हूँ। और क्वेश्चन नंबर 51 में हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु, तो वो है आपकी, अब देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है, इसमें है एंडोहेड्रल फुलरिन। तो ये जो है दुनिया की खोजी गई सबसे महंगी धातु है। ये 2015 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कार्बन परमाणुओं की मदद से एक नए पदार्थ एंडोहेड्रल फुलरिन का निर्माण किया, जिसे विश्व का सर्वाधिक महंगा पदार्थ माना जा रहा है। इसकी कीमत 167 मिलियन डॉलर प्रति ग्राम आकी गई है। इससे महंगा पदार्थ केवल एंटी मैटर नासा के आकलन के अनुसार 61 ट्रिलियन डॉलर प्रति ग्राम मूल्य ही है। ज्ञातव्य है कि एंडोहेड्रल फुलरिन से पहले सबसे महंगा पदार्थ कैलिफोर्नियम 252 था, जिसका मूल्य 27 मिलियन डॉलर प्रति ग्राम आका गया था। हालांकि नवीनतम खोजा गया पदार्थ एंडोहेड्रल फुलरिन वस्तुतः पूर्ण अर्थों में धातु नहीं है, तथापि प्रश्न में हाल ही में खोजी गई शब्दों के कारण इसका उत्तर यही सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को भी आप रेडी करके ही चलना। निम्न में से कौन सी अभिनेत्री निर्मल भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है? ठीक है, तो इनकी ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो हो जाएंगी आपकी, देखिए इसका ये है, इसमें एक कैंप हुआ था 1999 प्रारंभ संपूर्ण स्वच्छता अभियान टोटल सैनिटेशन कैंपेन को 2012 में निर्मल भारत अभियान के रूप में पुनर्संरचित किया गया था, तथा बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 से इस अभियान को स्वच्छ भारत मिशन में समाहित कर दिया गया था। ठीक है ना, तो ये हुआ था आपका टोटल सैनिटेशन कैंपेन से पहले जो संपूर्ण 1999 में जो संपूर्ण स्वच्छता अभियान था, इसको 2012 में निर्मल भारत अभियान के रूप में मतलब रिलोकेट किया गया। उसके बाद में 2 अक्टूबर 2014 से इस अभियान को स्वच्छ भारत मिशन में समाहित कर दिया। तो इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई थी वो थी विद्या बालन। क्वेश्चन नंबर 53 वर्ष 2015 के भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता टी काजित और ए मैकडोनाल्ड निम्नलिखित में से क्रमशः किस देश के निवासी हैं? तो वो हैं जापान और कनाडा के। 54 में भारत तथा पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बैंकॉक में गोपनीय मिलन के बाद विदेशी मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने गई, जो वर्ष 2015 में आयोजित था, तो वो जगह है इस्लामाबाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 UNHCR के अनुसार यूरोप में शरणार्थियों और विस्थापितों की संख्या हाल ही में किस सीमा पर पहुंच गई है? वो है 1 मिलियन। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 55 तक ही, नेक्स्ट सीरीज़ के लिए बने रहिएगा और भूलना बिल्कुल भी नहीं, सब्सक्राइब करिएगा और इन्हें रिवाइज़ कर सकते हैं आप 2 से 3 बार में, आपको बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा, यकीन मानिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो आप 2 से 3 बार इस वीडियो को सुन लीजिएगा, आपको यकीन हो जाएगा कि ये सब आपको बिल्कुल याद हो गए हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और नोटिफिकेशन बेल को मत दबाना। अगर आप चाहते हैं मैं कंटिन्यू रखूँ तो आप प्लीज़ डू सब्सक्राइबर्स और कमेंट करिए, नहीं तो चैनल में क्या होगा कि हम ज़्यादा जो चीज़ें लाने वाले हैं बुक्स वगैरह वो हम नहीं कर पाएंगे, तो उसको करने के लिए मेरे को चाहिए होंगे आपके सब्सक्रिप्शन। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट सीरीज़ आपको जल्दी ही मिल जाएगी।